बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और हमारे बीच में गायक मंडली की तीन तीन टीम, इनके सभी हमारे सम्मानित साथी और पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं किन अल्फाजों से, किन शब्दों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोग भारी तादाद में यहां पहुंचकर जो हम लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए और यहां से अपना विधायक बनाने के लिए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से एक एक साथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और सम्मानित साथियों, आज हम आपके बीच में अपने नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का पैगाम लेकर पहुंचे हैं। इससे पहले कि वो पैगाम मैं आपके बीच में रखूं, तो थोड़ी सी बात मैं आपके बीच में जरूर रखूंगा। वैसे तो मेरे साथियों ने आपके बीच में हर पहलू पर जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार के बारे में, आजकल देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही उसके बारे में, और उसके साथ साथ जो आने वाले चुनाव उसके बारे में बहुत सारी बात रखी, लेकिन थोड़ी सी बात मैं भी आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि आज आप भारी तादाद में सर्व समाज के भाई इस नीले झंडे के नीचे इकट्ठा हुए। ये नीला झंडा एक पैगाम है, ये एक चीज को दर्शाता है कि इस देश में रहने वाले वे कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोग हैं, इसकी लड़ाई का, इनके हकों की लड़ाई का ये प्रतीक है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का एक पैगाम है इस देश में रहने वाले सर्व समाज के भाइयों के लिए, एक एक साथी के लिए एक पैगाम है, जो दो लाइन में मैं आपके बीच में रखूंगा। वो पैगाम क्या है? पैगाम है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हर एक व्यक्ति के लिए पैगाम है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे पैगाम है हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी। मेरे भाई, मेरे दोस्तों,